बीते दिनों आपदा को अवसर में बदलने का नजारा साइबर सिटी में खूब देखने को मिला। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके चलते साइबर सिटी में शराब की दुकानें भी बंद थी। ऐसे में शराब तस्कर धड़ल्ले से शराब बेचने में लगे हुए थे, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने शराब तस्करों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से ट्रक, कार और एक्टिवा में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बेची जा रही शराब की 9,787 बोतलें बरामद की और 122 अपराधियों को काबू कर 104 मामले दर्ज किए। आलम यह रहा कि कोई ट्रक में तो कोई स्कूटर में तो कोई कार में शराब की तस्करी कर रहा था, तो कोई अमेजोन के डब्बों में शराब की बोतलें भरकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा था। लॉकडाउन के पीरियड की अगर हम बात करें तो 9,787 बोतल कुल शराब की बरामदगी की है और इसमें हमने टोटल 104 केस रजिस्टर किए हैं और जिसमें 122 लोग हमने अरेस्ट किए। कौन कौन सी शराब की, कहां कहां से रिकवर की, क्या इसके रूट थे, वहां तक पहुंच पाए थे? ये अलग अलग ब्रांड की शराब थी और देसी शराब की बात करें तो 4904 बोतल हमने बरामद की हैं और जो भट्ठी की निकाली हुई शराब जो होती है देसी, उसकी 54 लीटर हमने बरामद की है। इंग्लिश की 4,060 बोतल हमने बरामद की हैं और बियर की 823 बोतल की हैं। इस तरह से हमने इनको किया है और अलग अलग जगह से अलग अलग रूट्स पे भी हमने बरामदगी की है, जिनके अलग अलग सबके अपने अपने ठिकाने हैं, तो उसके हिसाब से हमने कार्रवाई की है और उसमें जो जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। लॉकडाउन में क्योंकि ठेके बंद थे तो लोगों ने कोशिश की थी इस तरह के उसमें शामिल होने की, तो जिनके खिलाफ हमने मजबूती से कार्रवाई की और उसको रोक पाने में हम सफल रहे। कोरोना काल के दौरान साइबर सिटी में अवैध रूप से सप्लाई की जा रही शराब पूरी तरह से अंकुश लगा। गुरुग्राम पुलिस ने न केवल शराब तस्करों के नेक्सस को तोड़ा बल्कि अवैध रूप से शराब की सप्लाई करने वाले 122 अपराधियों को भी सलाखों के पीछे धकेलने का बेहतरीन काम किया है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।